दोस्तों फाइनली नोकिया ने स्मार्टफोन्स की दुनिया में कमबैक कर लिया है और लॉन्च दोस्तों यहाँ पे कर दिया है अपने नए फोन को जिसका नाम है नोकिया 6। तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे नोकिया 6 के बारे में बात करने वाला हूँ और अपने ओपिनियंस शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम बहुत महीनों से सोच रहे थे नोकिया अब आएगा, तब आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2017 की जो शुरुआत है वो नोकिया ने बिल्कुल एकदम ब्लास्टिंग धमाकेदार कर दी है और आज अचानक से सरप्राइजिंग दोस्तों यहाँ पे लॉन्च कर दिया है नोकिया 6 को। और ये दोस्तों जो फोन है यहाँ पे आपको मिलता है 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो यहाँ पे यूज किया गया। दोस्तों प्रोसेसर वो है स्नैपड्रैगन का 430 जो कि एक ऑक्टा कोर CPU है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलती है 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, आप चाहें तो एक्सपैंड भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो डिजाइन है फोन का वो है कंप्लीट मेटल यूनि बॉडी का, 3000mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है। जो रियर कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का, यहाँ पे जो पिक्सल साइज है वो है 1 micron का और आपको मिलता है f2 का एपर्चर और साथ में फेस रिडक्शन ऑटो फोकस। जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का, सेम f2 का एपर्चर है और उसमें यहाँ पे आपको मिलता है 84 degrees का वाइड एंगल सपोर्ट। और उसके अलावा जो पिक्सल साइज है वो है 1.12 micron का। आपको दोस्तों इस फोन के अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है। यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 स्पीकर्स, एक है फोन के ऊपर की तरफ, दूसरा है फोन के नीचे की तरफ। माइक्रो यूएसबी पोर्ट दोस्तों आपको मिल जाता है फोन के नीचे और इसके अलावा बस सभी तरह के सेंसर जो बेसिक आपको मिलते हैं इसी फोन में। सामने दोस्तों आपको एक्स्ट्रा एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है जहां पे आपको बताया क्या करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर से। और ये है दोस्तों नोकिया 6 का कंप्लीट पैकेज। जो प्राइस है वो है 1699 चाइनीज युआन यानी कि करीब करीब 16,700 रुपए के आसपास। और दोस्तों जो अवेलेबिलिटी है वो है सिर्फ चाइना में। यहाँ पे नोकिया ने दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर दी है, पता नहीं क्या अलग से प्यार आ रहा था चीनियों से कि नोकिया ने दोस्तों जो फोन है एक्सक्लूसिवली लॉन्च किया है चाइना में जो कि आप ले पाएंगे JD.com से। अवेलेबिलिटी जो है वो लिखा गया है कि अर्ली 2017 यानी कि नहीं पता कि इस महीने, अगले महीने, मार्च, जनवरी, फरवरी, 10 दिन बाद 20 दिन बाद वो नहीं पता। लेकिन दोस्तों जो फोन है ये इंटरनेशनली चाइना के अलावा किसी और मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यार इतना हम प्यार करते हैं इंडिया वाले, लेकिन पता नहीं दोस्तों क्यों नोकिया ने पहला जो तोहफा दिया है वो दिया है चीनियों को। लेकिन आगे चल के ये जो फोन दोस्तों है आपको और हो सकता है जो है सिमिलर डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। जो नोकिया MWC में दोस्तों लॉन्च करने वाला है अलग अलग 4-5 फोन्स, तो उनमें से दोस्तों हो सकता है कि जो नोकिया 6 है उसका एक थोड़ा सा आपको बेहतर वर्जन मिल जाए, क्या पता सभी मार्केट्स के लिए। और यहाँ पे इस फोन को अगर आप चाहते हैं तो चाइना से आप इम्पोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर ये जो फोन है अगर दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ कॉम्पिटिशन को देखते हुए तो ये बहुत ज्यादा ओवरप्राइज्ड है। मतलब अगर मैं आपसे बात करता हूँ मान लीजिए शाओमी की या लाइको को की, तो मतलब 17,000 रुपये के अंदर आपको अगर ये हार्डवेयर मिलता है तो यहाँ पे दोस्तों नोकिया ने गलती कर दी है। लेकिन फिर नोकिया नोकिया है, नोकिया दोस्तों हमारे दिलों पर राज किया है बहुत सालों तक और ऐसे में ब्रांड वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है नोकिया के फेवर में, तो डेफिनेटली जो प्राइस है वो जस्टिफाइड है और आपको एक डिसेंट हार्डवेयर मिलता है। लाइक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप उस फोन को यूज़ करते हैं किसी भी सिनेरियोज में। आप कैमरा वगैरह रियलिटी में कैसे हो तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा, लेकिन जो बैटरी है वो थोड़ी सी अगर और ज़्यादा होती 3000mAh से 4000mAh अगर एटलीस्ट होती बैटरी तो शायद दोस्तों बहुत अच्छा हो सकता था। बाकी नोकिया नोकिया और फाइनली हमारे सबका जो बहन नोकिया वो वापस आ चुका है। अभी देखते हैं दोस्तों आगे चल के इस साल के एंड तक नोकिया 2017 में कितने फोन्स को लॉन्च करने की प्लानिंग करता है, 2, 3, 4, 5, 6 मॉडल्स और इंडिया में दोस्तों नोकिया के फोन हमको कब तक देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आएगा। अगर आपको सारा सुझाव तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसे वीडियोज और नोकिया के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।